नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रमुख गैसों का प्रयोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है जो पिछले यानी कि कई वर्षों से रेलवे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। पहला सवाल है, गुब्बारा या बैलून में? तो दोस्तों, गुब्बारा या बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है या किस गैस का प्रयोग होता है? तो गैस है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में यानी कि फुटबॉल में किस गैस को भरा जाता है? तो है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये पिछले एसएम और गुड्स गार्ड में के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, फास्ट फूड के पैकिंग में यानी कि फास्ट फूड के पैकिंग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में किस गैस को प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर के सिलेंडर में किस गैस को भरा जाता है? तो वो गैस है दोस्तों हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी के जो सिलेंडर होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी यानी कि इसका पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी का पूर्ण रूप हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्डिंग में यानी कि गैस बेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम ढंग से फल को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन गैस का। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रूप से यानी कि कहने का मतलब हुआ, जब फल पेड़ में ही पक जाते हैं तो उसे प्राकृतिक रूप बोलते हैं, और जब हम कच्चे फल को तोड़कर अपने घर में लाकर पकाते हैं तो उसे कृत्रिम ढंग से बोलते हैं। तो कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस के कारण वो पकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस, वाटर गैस या भाप अंगारा गैस, ये क्या यानी इसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो वह है CO+H2। दोस्तों, भाप अंगारा गैस और वायु अंगारा गैस में बहुत अंतर है, लोग कन्फ्यूजन करके यानी आंसर गलत दे देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगारा गैस और भाप अंगारा गैस दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा CO+N2। वायु अंगारा गैस में किस गैस का प्रयोग होता है? तो CO+N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? तो है पारा का वाष्प प्लस आर्गन। और पूछ देता है कभी कभी, ट्यूबलाइट में जो पारा का वाष्प और आर्गन प्रयोग होता है वो निम्न दाब पे भरा होता है, उच्च दाब पे भरा होता है, इसी तरह का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ आंसर दीजिएगा आप, ट्यूबलाइट में जो पारा का वाष्प और आर्गन प्रयोग किया जाता है वो निम्न दाब पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, आर्गन गैस प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान में विद्युत गैस यानी विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यदि पूछा जाए
कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन गैस या कहीं कहीं अक्रिय भी दे देता है, अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस लगाएंगे आंसर। और यदि ऑप्शन में आर्गन ना रहे तो नाइट्रोजन को आप लगाएंगे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटर में, लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो गैस है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली क्षेत्र में, यानी कि कहने का मतलब हुआ दलदली क्षेत्र जो होते हैं वहाँ किस गैस यानी कौन सा गैस उपस्थित होते हैं, तो है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेत में, धान का खेत जो होता है उसमें एक गैस निकलता है, वो कौन सा गैस है, तो है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जानवर के जुगाली करते समय यानी कि जानवर जब जुगाली करता है तो उस समय कौन सा गैस निकलता है, तो वो भी है मीथेन गैस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।